हेलो एंड वेलकम टू एनिमेटेड लीगल केसेस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बिटवीन बांग्लादेश एंड श्रीलंका। इस वीडियो में हम जानेंगे कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी रिसेंट न्यूज़ पढ़े होंगे और जाने होंगे कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच करेंसी स्वैप एग्रीमेंट डील अप्रूव हुआ है, जो कि डॉलर 200 मिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट यानी कि डॉलर 200 मिलियन का वो डील हुआ है। तो अब आज जानेंगे कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बेसिकली मतलब क्या होता है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बेसिकली होती है इसलिए कि कोई एक कंट्री, मान लीजिए जैसे कि कोई कंट्री ए है कोई कंट्री बी है, उन दोनों के बीच बेसिकली ये होता है एक ट्रेड होता है, एक ट्रेड नहीं कह सकते एक लोन होता है बेसिकली। और वो करती क्या है, ए कंट्री जो है बी कंट्री को लोन प्रोवाइड करती है। मान लीजिए जैसे कि ए कंट्री ने बी कंट्री को लोन प्रोवाइड किया डॉलर में और उसका इंटरेस्ट भी वो लेती है, ए कंट्री बी से इंटरेस्ट भी लेगी लेटर ऑन जब वो बी कंट्री उसको पे बैक करेगी। तो इसमें क्या होता है बेसिकली करेंसी का स्वैप होता है। बी कंट्री के पास ये रहता है ना कि बी कंट्री जो है दूसरे किसी करेंसी फॉर्मेट में या अपने करेंसी के फॉर्मेट में उस लोन को चुकता करेगी। जैसे कि अभी देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, हम इस एग्रीमेंट से ही आपको आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये जैसा कि सेकंड पॉइंट में लिखा भी, इट इज़ बेसिकली अ लोन दैट अ बांग्लादेश विल गिव टू श्रीलंका इन डॉलर्स, श्रीलंका इन डॉलर्स यानी कि डॉलर में दिया जाएगा जो लोन होगा वो श्रीलंका को डॉलर में दिया जाएगा। विथ एन एग्रीमेंट दैट डेब्ट विल बी रिपेड विथ इंटरेस्ट इन श्रीलंकन रुपीज, यानी कि जो लोन चुकता होगा वो श्रीलंकन रुपीज में होगा, लेकिन इनको मिल क्या रहा है किस करेंसी में, डॉलर में मिल रहा है। तो बेसिकली करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का मतलब यही होता है कि स्वैपिंग ऑफ करेंसी, स्वैपिंग ऑफ करेंसी मतलब कि जैसे कि अगर कोई कंट्री, ए कंट्री ने बी को लोन दिया है जिस भी करेंसी में, वो जरूरी नहीं कि उसी करेंसी में वो पे बैक करेगा, वो अपने कंट्री का करेंसी यूज करके इंटरेस्ट के साथ उस कंट्री को वापस करेगा। और श्रीलंका को फायदा भी है इस एग्रीमेंट से, एक बात ये भी है इससे कंट्रीज को फायदा भी होता है, बेसिकली डॉलर उनको मिल रहा है और ये अपने करेंसी में डॉलर स्ट्रांग है, डॉलर का मार्केट प्राइस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू श्रीलंकन रुपीज, लेकिन उनको पे बैक तो श्रीलंकन रुपीज में करना है। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि उन्हें मार्केट से कम दाम में कम इंटरेस्ट में उनको पैसा मिल रहा है। और दूसरा फायदा ये होता है इस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में कि एक लाइफलाइन मिल जाती है उनको, अपना फॉरेक्स रिजर्व जिस भी कंट्री को दिया जाएगा उस कंट्री को एक लाइफलाइन मिल जाता है कि वो अपना फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन कर सके। पीरियड भी स्पेसिफाई होती है उस एग्रीमेंट में कि कितने साल तक के लिए जो है वो लोन प्रोवाइड करेगी कंट्री जो भी दूसरे कंट्री को देगी। इसी तरह इस एग्रीमेंट में भी एक डेट प्रोवाइड किया गया, वो एग्रीमेंट की डिटेल में आप जाके पता चल जाएगा। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बांग्लादेश, इससे ये पता चलता है कि इकोनॉमिकली वो कितना रिसेंटली स्ट्रांग भी हुआ है। बांग्लादेश इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया है। उसका 2020 का जो ग्रोथ रेट था वो 5.2% था और 2021 में एक्सपेक्ट जो किया गया है तो 6.8% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया गया है। तो देख ही सकते हैं आप कितना अच्छा ग्रोथ है और ग्रोइंग इकोनॉमी है ये साउथ एशिया में। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि इंडिया से श्रीलंका ने लोन नहीं मांगा था, श्रीलंका के ने पहले प्रपोजल इंडिया को भेजा था लोन लेने के लिए इस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के थ्रू, बट इंडियन गवर्नमेंट ने उसका किसी भी वजह से, किसी रीज़न के वजह से उन्होंने रिवर्ट नहीं दिया, जिस वजह से इन्होंने बांग्लादेश से करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के थ्रू लोन लिया 200 मिलियन डॉलर का। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता क्या है। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे लेक्चर की PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।